हिमाचल प्रदेश के ऊना में माता चिंतपूर्णी के मंदिर में हर साल सावन में लगने वाले अष्टमी मेला जो है वो शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन देवी की पूजा करने के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। 9 दिन के मेले में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने भरपूर इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। चिंतपूर्णी माता के इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि माता चिंतपूर्णी दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों की सभी चिंताओं को दूर कर उनका मन शांत करती है। माँ ने दूजी बार बुलाया, बहुत चंगा लगे, दिन में बड़ी शांति मिली है, ऐसा लगता है कि दिल पूरी तरह प्रसन्न हो गया है। हर साल की तरह माँ के चरणों में पहुँचते हैं। आज पहला नवरात्रा 5 अगस्त है जी, 5 अगस्त तो लैके 14 अगस्त तक जी माँ के नवरात्रे चल रहे हैं जी। माँ का सुंदर हर साल की तरह मंदिर सजाया जाता है जी। माँ के भवनों के बहुत सारे शिंगार चढ़ाए जाते हैं, फुल तिल चढ़ाया जाता है जी। माँ के चरणों में बहुत तो साढ़े तो बहुत माँ की कृपा है जी। माँ ने इन्नी को कृपा कर छी है जी, हर साल की तरह माँ के चरणों में पहुँचते हैं जी। हमने जो है तकरीबन 1200 हमारे सुरक्षाकर्मियों की डिमांड करी है, जो हमारे यहाँ पे सारे जो एरिया है उसको वो कवर करेंगे। हमने जो पूरे मंदिर के परिसर और आसपास को 10 सेक्टरों में बांटा है और हर सेक्टर के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक सेक्टर पुलिस ऑफिसर को लगाया है। तकरीबन 100 हमने एडिशनल जो है अपने सफाई कर्मी लगवाए हैं ताकि वो पूरे मंदिर की जो सफाई व्यवस्था है उसको इंश्योर कर सकें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको पूरे अच्छे से हम मैनेज कर सकें और अच्छी उनको सेवाएँ दे सकें और पूरी तरह से मैनेज करके उनको माता के अच्छे दर्शन